हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का एक इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी सेविकाओं के मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी के संबंध में एक खबर मुझे प्राप्त हुई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देखने को और समझने को मिलेगी। मैं आपको शुरुआत में ही ज़्यादा उम्मीद नहीं रखवाते हुए, ज़्यादा निराश नहीं करते हुए बता दूँ, मानदेय बढ़ोतरी की ये खबर झारखंड राज्य की है। जी हाँ, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में जो है 3,000 रुपये प्रति महीने की मानदेय बढ़ोतरी की गई है। पहले 6,500 रुपये मानदेय यहाँ मिलता था, अब ये 9,500 रुपये हो चुका है। भारत सरकार यहाँ 4,500 रुपये ही देती है, लेकिन 5,000 रुपये अब यहाँ की राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो मिलाएगी, तब जाकर 9,500 रुपये सेविकाओं को मिल पाएगा, जो ठीक ठाक मानदेय है। अगर बिहार से कंपेयर करें तो बिहार से 2,500 रुपये प्रति महीने भी वहाँ ज़्यादा मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये अन्य आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ धोखा है, क्योंकि अगर इतना छोटा और पिछड़ा राज्य झारखंड अगर मानदेय में इतनी अच्छी बढ़ोतरी वहाँ की सरकार कर सकती है, तो अन्य राज्य जहाँ पर मानदेय बढ़ना चाहिए वहाँ भी सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। इसके संबंध में जो पोस्टर जारी हुआ है, चलिए हम आगे आपको दिखा देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सभी सेविका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेकिन मैं आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं देते हुए, ज़्यादा निराश नहीं करते हुए शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, फोटो को देख करके आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर भी युवा झारखंड लिखा हुआ है, इसका मतलब मानदेय बढ़ोतरी की जो ये अपडेट है वो झारखंड राज्य की है। जी हाँ, झारखंड में जो है सेविकाओं के मानदेय में 3,000 रुपये की बम्पर बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6,500 रुपये मिलता था, लेकिन अब जो है 9,500 रुपये दिए जा रहे हैं। 9,500 रुपये भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है एक महीने का खर्चा करने के लिए, लेकिन ठीक ठाक है अन्य राज्यों के कंपैरिजन में। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि हम तो बिहार के हैं, हम उत्तर प्रदेश की सेविका हैं, हम जो है मध्य प्रदेश की सेविका हैं, तो आखिर आप ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। देखिए, वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि अगर इस राज्य की सरकार, जो झारखंड जो है ये एक पिछड़ा राज्य ही है, इस राज्य की सरकार जो है जब अपने अन्य वर्कर्स को सम्मान देते हुए उनके पेमेंट में इतनी बढ़ोतरी कर सकती है, तो अन्य राज्यों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। देखिए, लिखा है क्या, हर घर खटाखट, यहाँ पर कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेविका का फोटो है, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 6,500 से बढ़ाकर 9,500, क्लियरली आपको दिख रहा है कि 3,000 रुपये प्रति महीने के मानदेय में जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये प्लस जो हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार की प्रतिबद्धता, यहाँ के यूनियन की जो मांग होगी वो सरकार ने पूरी की है। तो ये कहीं ना कहीं अन्य आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ भी एक तरह से धोखा होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि फिलहाल में मध्य प्रदेश में, जी हाँ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इसके अलावा जो है गोवा में, केरल में वगैरह राज्यों में जो है मानदेय जो है 10-12 हज़ार से ऊपर मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा मानदेय यहाँ मिल रहा है। ऊपर से केंद्र सरकार की ओर से पोषण ट्रैकर ऐप में सही तरीके से काम भरने और कई योजनाओं का फॉर्म भरने का प्रोत्साहन राशि अलग से मिलता है, क्योंकि यहाँ की सरकार समझती है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स अगर ठीक से काम करेंगी तो उनका भी रिपोर्ट और उनका भी डाटा सही रहेगा और देश में विकास होगा। क्योंकि निचले स्तर पर, सबसे नीचे के स्तर पर वर्कर्स सेविकाएँ ही काम करती है। घर से कोई डेटा लाना हो, रिपोर्ट लाना हो, कोई चीज़ जागरूक करना हो, जमीनी स्तर से ये लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अन्य राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में, यहाँ पर मानदेय इतना कम है जो पॉसिबल नहीं है घर चलाना। तो ये दुख की बात होती है कि कहीं पर हमारे ही पड़ोसी राज्य में मानदेय सेविकाओं का 9,500 है, जबकि बिहार जैसे राज्यों में जो है सेविकाओं का मानदेय अब जाकर 7,000 रुपये अप्रैल से मिल रहा है। फिर भी 2,500 रुपये प्रति महीने का अंतर, यहाँ पर बड़ा अंतर होता है ये देखने को मिल रहा है। सरकार अगर इतने बराबरी भी कर देती है तो एक तरह से ठीक ठाक ये चीज़ें रहेंगी। आप लोग इस मुद्दे पर कमेंट कर सकते हैं, आपका क्या कहना है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।